शाजापुर में 13 जनवरी से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन की हड़ताल चरम पर है। आज उसी के अंतर्गत संघ के मीडिया प्रभारी प्रशांत वैद्य ने बताया कि शाजापुर में हड़ताली कर्मचारियों ने भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक नायक को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर उनकी पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने हेतु जिला अध्यक्ष से आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचाऊंगा। डॉक्टर एसडी जायसवाल, पैथोलॉजिस्ट एवं ब्लड बैंक प्रभारी, जिला चिकित्सालय शाजापुर। सर, आप ये बताइए कि अभी जो लैब टेक्नीशियनों की स्ट्राइक चल रही है, उसमें मरीजों को काफ़ी बाधा हो रही है ब्लड सैंपल देने के लिए, ब्लड टेस्टिंग के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? आज लैब टेक्नीशियन की हड़ताल का सातवां दिन है। चूँकि ब्लड बैंक वो पैथोलॉजी की जांच इमरजेंसी कार्य होता है, इसलिए हमने व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, और सिस्टर और इनकी ड्यूटी लगा करके जैसे तैसे इमरजेंसी का कार्य पूरा किया जा रहा है। परंतु जो लैब टेक्नीशियन है, सरकार से हमारी गुजारिश है कि इनकी मांगों पर सहानुभूति विचार कर इस समस्या का निराकरण करें, ताकि मरीजों को पूरी तरह और ब्लड बैंक दोनों कार्य प्रभावित न हो। तो ये कब तक चलेगी? अब ये तो शासन और इनके लैब टेक्नीशियनों के संगठन के ऊपर निर्भर है कि कब इनका समझौता होता है, पर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन इसका निराकरण करें, ताकि मरीजों को लाभ मिल सके। एक्चुअल में कुछ लोग अस्पताल से संबंधित जो लैब टेक्नीशियन होंगे, जो भी अपने व्यवस्था को लेकर के मेरे पास आए थे, अब ये इनकी 13 सूत्री मांग है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शासन के पास कहीं ना कहीं विचाराधीन है। तो हम भी ये चाहते हैं, चूँकि ये परिवार है हमारा, चाहे वो लैब टेक्नीशियन के हों, और चूँकि वो लोग तो जीवन बचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारा भी सहयोग उनको रहे, ऐसी हमारी ऊपर के लोगों से विनती रहेगी, और इसमें क्या अच्छा हो सकता है उस पर पूर्ण रूप से बंद करोगे तो मैं नहीं लूंगा। सब चीजों पर विचार होता है। और ग्रामीण भारत टीवी के लिए शाजापुर से शब्बीर अत्तार की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।